कानून मंत्री किरण रिजिजू 29 अक्टूबर को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव के निलंबन पर राकेश टिकैत ने दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल का दावा, बोले नवाब मलिक के पास एनसीपी अधिकारी समीर वानखड़े के खिलाफ ठोस सबूत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, कर सकते हैं रामलला के दर्शन। तेलंगाना के करीमनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर 4.0 भूकंप की तीव्रता मापी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बलिया में संजय निषाद एमएलसी एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के हित के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं इसको लेकर उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए भी योजनाएं लागू की जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में पत्रकारों के लिए सामान सुरक्षा और योजना देने की भी आवाज उठाएंगे। देश का दर्द लिखा, लोकतंत्र में चार स्तंभ हैं, चारों स्तंभ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके पास तो निधि है, लेकिन जो चौथा स्तंभ है उसे सम्मान तो दिया जाता है, पत्रकारिता जिसे कहते हैं, मीडिया कहते हैं, तो सम्मान भर से नहीं काम चलेगा ना, परिवार है, उनको चलना है, दौड़ना है। तो जैसे सारी निधि चल रही है, किसान निधि है और निधि है, तो एक देश में एक बजट बने और मैं उसकी आवाज़ उठाऊँगा कि पत्रकार के लिए भी सम्मान निधि मिले उन्हें, और खुल के पत्रकारिता, उन्हें न्याय मिले, सुरक्षा भी मिले, क्योंकि उनकी सुरक्षा पहले वो आवाज़ उठाते हैं, वो पेपर में छापते हैं, तब छापा पड़ता अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो सारा जो है ये क्या नाम है, दंश जो है, सारा जो कहते हैं कि रिस्क जो है वो कवर करते हैं, तो उन्हें जो है कवर, उनके लिए एक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, एक निधि भी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वतः भी कर सकते हों और सम्मान सहित अपनी पत्रकारिता को खुली छूट मिले, जिससे कि देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। मैं इसकी आवाज़ सदन में जाते पहले उठाऊँगा और कोशिश करके कानून बनाकर निधि की व्यवस्था करा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की नंबर वन विधानसभा सीट गिबेहट के प्रतिज्ञा यात्रा शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, मीम अफजल, पूर्व मंत्री जफर अली नकवी और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कांग्रेस का झंडा दिखाकर यात्रा का रवाना किया। इससे पूर्व मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रतिज्ञाओं का बखान किया। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है। कहा कि हम आगामी चुनावों के वायदों को प्रतिज्ञा का नाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 32 सालों से, तकरीबन 32 सालों से, कई मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जो उम्मीदें, जो आशाएं उत्तर प्रदेश की जनता को इन तमाम पार्टियों से रही, उन पर कोई भी पार्टी खरा नहीं उतर पाई। उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 32 सालों में जो उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश से मोहब्बत के तराने, सद्भावना के गीत गाए जाते थे, वो उत्तर प्रदेश नफ़रत की आग में झोंक दिया गया। परिवर्तन तो शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि अभी प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर आवाम में जा कर के, जनता के दरमियान जा कर के सरकार को चुनौती दी और सरकार को उनकी बहुत बातें माननी भी पड़ी हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो परिवर्तन है वो तो शुरू हो गया है।
आज हमने एक बात कही जो हमें अभी आचार्य जी ने बताया, ये जो कुछ पॉइंट्स आज बताए गए हैं, इसमें एक सवाल है जो आप में से किसी ने पूछना ही था, मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ कि भाई ये इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब पूरे होंगे। जाहिर है सरकार हमारी आएगी तो पूरे करेंगे, इसमें से कम एक वादा तो हम इलेक्शन में ही पूरा कर देंगे। जो पहला वादा है, अगर हम 40% महिलाओं को टिकट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पहला ही वादा पूरा कर रहे हैं और आगे भी हम प्रतिबद्ध हैं और हमको यकीन है कि हम उसको पूरा करेंगे। ये कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है इसमें बस की यात्रा शुरू की गई है, 3 यात्राएं हो रही हैं। एक बाराबंकी में प्रियंका गांधी जी ने आज झंडारोहण किया, दूसरी बनारस में हो रही है, तीसरी यहाँ पर। इसका मकसद ये है कि जनता को जागरूक करना और जो प्रतिज्ञा हमने करी है उनको इम्प्लीमेंट करना हमारा मेन मकसद है चुनौती देखते हुए। तो इसमें जो प्रतिज्ञा 7 हमने एक्सेप्ट करी थी उसमें टिकट वितरण में 40% महिलाओं को उनकी भागीदारी दी जाएगी, और उसके बाद में जो लोग बीए पास लड़कियां हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, किसानों को का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा, 2019 में 9 में 72,000 करोड़ रुपया माफ़ किया था, इस बार भी हमने कहा है, और 2500 गेहूं का धान का कीमत ये होना चाहिए 4,000 रुपये, और इसके बाद जितना बिजली का बिल बकाया है उसको माफ़ किया जाएगा, और जो कोरोना के परिवार में पीड़ित हैं उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और 25,000 रुपये, और इसके साथ साथ में 20,00,000 सरकारी नौकरी दी जाएंगी। ये हमारी कांग्रेस की प्रतिज्ञा की गई है मैनिफेस्टो के अलावा। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से कुशासन की समाप्ति हो और एक सुशासन की स्थापना हो, और कांग्रेस हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का या किसी और वर्ग का बात अकेले नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है और केवल भारतीयता के लिए ही लड़ने का काम करती है। कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की ना पार्टी है, ना जाति धर्म विशेष के नाम के ऊपर हम राजनीति करते हैं। और इसीलिए प्रियंका जी ने जब प्रतिज्ञा की बात आई तो प्रतिज्ञा के अंदर नौजवान की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है, गरीब की बात है, प्रदेश के विकास की बात है, और यही कांग्रेस है कि देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिक, चाहे वो किसी मत के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनके समान अधिकार हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देख करके अधिकार देश के अंदर देश के रहने वाले लोगों को दिए थे, उनकी रक्षा करना कांग्रेस अपना नैतिक दायित्व। रायबरेली शहर के एक स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में न्यायालय के न्यायाधीशों ने बच्चों को कानून का पाठ पढ़ाया और बच्चियों व बच्चों को जागरूक किया। न्यायालय से संबंधित नियम कानून के बारे में जानकारी दी गई। अपर जिला जज ने कहा कि गरीब व निर्धन परिवार के लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त उपलब्ध कराएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये शिविर इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं ताकि गांव-गांव जाकर लोगों को विधि का ज्ञान दिया जा सके। विधि का ज्ञान न होने के कारण हमारे जनमानस को कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाता। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक मनुष्य को जिसका आर्थिक स्तर ऐसा नहीं है कि वह कोई वकील नियुक्त करके या कोर्ट की फीस दे के अपने अधिकार को पा सके, तो ऐसे निर्धन व्यक्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बिना किसी फीस के विद्वान अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। साथ ही ये भी प्राविधान है कि अगर कोई
सिद्धार्थनगर में 25 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जहां मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी की कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भारी संख्या में पुरुष व महिलाओं के साथ अभिनंदन रैली निकाली, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पीएम के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पूरा जनपद प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साहित है। डुमरियागंज से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 50,000 लोग जाएंगे। मोदी जी के 25 तारीख के कार्यक्रम के लेकर के उत्साहित है। पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में कार्यक्रम को 25 तारीख का यह जिला मान रहा है, और इसीलिए आज डुमरियागंज में गाजा बाजा के साथ हम दो दिन पहले उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और कल डुमरियागंज विधानसभा के हर चौराहे पे डंका, बैंड बाजा, तुरही आदि तमाम तरह से चौराहे चौराहे पे यहाँ पे जनता स्वागत करने के लिए उत्सुक है। सिद्धार्थनगर का बाबू माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण और उसके साथ सात मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो हो रहा है, भूतो न भविष्यत, ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं था। इसीलिए हम लोग उनके स्वागत की तैयारी, और यह कार्यक्रम कई लाख की संख्या सिद्धार्थनगर में उनके स्वागत में। सपा की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा इन दिनों प्रदेश भ्रमण पर हैं। इस कार्यक्रम के तहत लीलावती कुशवाहा सिद्धार्थनगर जिले पर पहुंची। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष का सपा की महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर लीलावती कुशवाहा ने सपा कार्यकर्ताओं विशेषकर महिलाओं के साथ बैठक की, और मीडिया से बात करते हुए सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा की नीतियों व घर घर तक पहुंचाने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी महिला कार्यकर्ता जागरूकता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं से मैं संवाद सीधे कर रही हूं और पूछ रही हूं कि जो राशन कार्ड माननीय अखिलेश यादव जी ने घर की मुखिया आपको बनाया था, क्या उस राशन कार्ड पे ये सरकार जो गरीबों को चीनी मिल रही थी, तेल मिल रहा था, तो महिलाओं की आवाज़ आ रही है कि नहीं। आखिर में मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्यों जो गरीबों को चीनी और तेल मिल रहा था बंद कर दे रही है। पूरे प्रदेश में महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, और इतना त्रस्त हैं कि जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उन महिलाओं से पूछिए जरा कि वो 1,000 का सिलेंडर कैसे भरा रही हैं। महंगाई उस कदर हो गई कि अगर जिसके घर सब्जी बन रही है उसके घर दाल नहीं, और दाल बन रही है तो सब्जी नहीं। महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, निश्चित तौर से इस महंगाई से महिलाएं इतनी परेशान हैं कि उनके घर का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और आज अगर पूरे प्रदेश में जितना अपराध इस सरकार में हुआ है, कभी हिंदुस्तान की आज़ादी के दिनों में इतनी। ताजनगरी आगरा में कल दबंग भू माफियाओं से परेशान पीड़ित महिला ने भू समाधि ले ली थी, जिसकी खबर से प्राइम टीवी ने प्राथमिकता से दिखाया। खबर चलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला को उसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर बाहर निकाला, और तत्काल ही मौके पर राजस्व की टीम ने पीड़ित महिला के खेत की पैमाइश करना शुरू कर दिया, और पीड़ित महिला की भूमि का चिन्हांकन कर पीड़ित महिला को उसका कब्जा सौंप दिया, और पीड़ित महिला प्रेमलता से उस पर निर्माण कार्य करने की अनुमति भी दी। वहीं आज हमारी प्राइम टीवी की टीम ने पीड़ित महिला प्रेमलता से खास बातचीत की, और कल की घटना के बाद उस महिला ने अपनी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराया, जिसके बारे में जानकारी की। अपनी भूमि को कई वर्षों के बाद वापस कर पीड़ित महिला बहुत खुश दिखे और शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, मेरी ज़मीन में इसी से खेती करती थी, उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, तो वो ही मुझसे छिन गई, तो फिर मैं क्या करती। सारे अधिकारियों के पास जा जा कर चक्कर लगा लाए, 4 साल थे, मैं DM के पास, SSP के पास, तहसील में SDM के पास, सबके पास जा चुकी, थाने के चक्कर लगाती, पर मेरी कोई नहीं सुनते। और जे जाते सब आदमी भूमा पिया,
उनके साथ पुलिस बच के आ जाती, मैं खेतों पे जाऊँ तो मेरे ही ने पुलिस आ जाए, वो भेजा कह दे तो पुलिस आ जाए, मैं जाऊँ तो लेवे तो पुलिस नहीं आती। तो इस वजह से जब मैं हारी खाई गई, जब मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, वो पे कोई जरिया नहीं, जमीन 5 साल से बंजर बना दी मेरी इनने, तो करन ना दे तो कछु ना करन दे, इस वजह से प्रमोद जी अपनी आत्मा की हत्या। 25 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर डुमरियागंज सांसद जगदेव पाल ने अभिवादन मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें सड़कों पर पूरा हुजूम छाया रहा। मुख्यालय पर इस रैली को निकालकर प्रधानमंत्री के आवागमन का परिचय और स्वागत की तैयारी की गई। श्री राम के नारे और मोदी योगी के नारे भी पूरा शहर गूंज उठा। सांसद जगदेव पाल ने पूरा उत्साह के साथ अभिवादन करते हुए दिखे। त्योहार को लेकर सोने चांदी के आभूषणों के नए तकनीकी आभूषण बाजार में उपलब्ध नजर आ रहे हैं। खरीदारों की मांग नए तकनीकी के आभूषणों की है, जिसको लेकर दुकानों में अन्य तमाम तरह के आभूषण मौजूद हैं, जिनको लेकर खरीदारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहाँ आभूषण की दुकानों पर काफी लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। देखा जाता है कि त्योहारों के आने से पहले सर्राफा बाजार में महिलाओं की खरीदारी विशेष तौर पर देखी जाती है। भारत में सोने और चांदी को खरीदने की प्रथा सालों से चली आ रही है। पहले महिलाएं सोने और चांदी के गहनों को पुरानी डिजाइन और पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ही पहना करती थी, लेकिन आजकल की तकनीकी गहनों का चलन काफी प्रचलित है। मैनपुरी के बेवर थाने पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी बेवर थाने के जन सुनवाई की। इस अवसर पर आए हर एक फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और निस्तारण के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस आने वाला है और शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बरते और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखते हुए सम्यपवर्तन निस्तारण सुनिश्चित करा जाए। इस अवसर पर अवैध कब्जे व भूमि विवाद से जुड़े मामले ज्यादातर सामने आए। सोनभद्र के उपरा नगर में मिल्लत नगर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा व हिंदू समाज के लोग भड़क उठे। विभिन्न हिंदुवादी संगठन के लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करने के साथ ही धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान मौजूद लोगों ने सुभाष तिराहे पर पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वीडियो की जांच करने के साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि बरा वफात के अवसर पर नगर में एक जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसा है कि कल हमारे मोर्चा के लोगों ने जुलूस निकाला अपना तिरंगा यात्रा, उसमें कुछ अल्पसंख्यक के लोग थे जो अभद्र भाषा का, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोले और पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। अरे जिस मुल्क में तुम रह रहे हो उसी को तुम मुर्दाबाद बोल रहे हो, और जिसमें जहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है वहाँ के लोगों को तुम जिंदाबाद। इस प्रकरण में एक व्यक्ति जुलूस के दौरान नारा लगाता है, लेकिन भीड़ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये वीडियो वायरल होने के बाद इसका परिशीलन किया गया और इसमें जो व्यक्ति नारा लगा रहा है उसके विरुद्ध चिन्हित करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसको हिरासत में लेकर। रायबरेली में जिलाधिकारी ने अमृत क्रीड़ा महोत्सव का समापन किया। अमृत क्रीड़ा महोत्सव में जिले के सभी विकास खंडों ने बच्चों ने प्रतिभाग किया था। विभिन्न खेलों के प्रतिस्पर्धाओं का बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया था और 3 दिवसीय अमृत क्रीड़ा महोत्सव का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया था। सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया था। विजेता खिलाड़ियों को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। बता दें कि खेलो इंडिया के तहत ग्राम पंचायत स्तर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाएगा। अमृत क्रीड़ा महोत्सव जो हमने जनपद में आयोजित किया था, जो माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा थी कि जो ओलंपिक के बाद जो स्पोर्ट्स का माहौल बना है, तो ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर हमने एक प्रयास किया है और काफ़ी सफलता मिली है। बच्चों का काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, जनता का मीडिया का भी बहुत समर्थन मिला है, तो मुझे ऐसे प्रोत्साहन से मुझे उम्मीद है कि हम आगे जा सकते हैं।
गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलघर काली मंदिर के पास एक चौधरी मोबाइल शॉप के नाम से दुकान है। जरूरत के हिसाब से वह गोरखपुर आकर बाजार करते हैं और शनिवार को भी वह बलदेव प्लाजा में सामान खरीदने के लिए आ रहे थे। जैसे ही वो गोलघर काली मंदिर के पास पहुंचे तभी कुछ टप्पेबाजों ने उन्हें रोककर अपने आप को पुलिस के वाला बताया और कहा कि आप कीटनाशक दवा लेकर चल रहे हैं, साहब के पास चलिए और बैग चेक कराइए। और तीन लोग बैग चेक करने के नाम पर पीड़ित का बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें 1.5 लाख रुपए थे और पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ SSP ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है और पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन बताते चले कि कोतवाली थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी की यह तीसरा घटना है। इसके पहले भी दो बार टप्पेबाजों ने पुलिस बनकर आरोपियों से व्यापारियों से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दिए थे। अभी घटना का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन एक बार फिर कोतवाली थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी की घटना ने पुलिस को संकट में डाल दिया है। कीटनाशक दवा के विषय में हमको पकड़े हैं और कह रहे हैं बैग में कीटनाशक दवा, और ही लेकर के एक आदमी आया पकड़ा और लेकर गए, तो वहाँ कुछ 2-3 लोग और थे उनके गिरोह के। हाँ सर बताए, पुलिस वाले बताए। हाँ, इसमें यह व्यक्ति महाराजगंज से यहाँ आए थे कुछ खरीदारी करने के लिए। इस पर कीटनाशक दवाइयों की चेकिंग के नाम पर कुछ युवकों ने इनको रोका और इनका बैग चेक किया, बैग में से इनके पैसे निकाल लिए जो कि इनको पता नहीं चला। और जब वो युवक चले गए तो व्यक्ति ने आगे बढ़कर जब अपना बैग चेक किया तो उसमें पैसे गायब थे। इस पर उन्होंने 112 को सूचना किया और तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। आसपास CCTV कैमरा दिखवाए जा रहे हैं और जो अन्य अपराधियों के रिकॉर्ड है वो भी चेक करवाए जा रहे हैं। और यह जनपद महाविद्यालय प्रबंधन की गलती की वजह से लगभग आधा सैकड़ा छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया। दरअसल विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पहले तो बच्चों से फीस लेकर उनको एडमिशन दे दिया गया और वर्तमान समय में उन सभी छात्राओं को एडमिशन ना होने की जानकारी दी। इससे उत्तेजित छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय गेट पर ही विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि लगभग 15 दिन पहले इन सभी छात्राओं को एडमिशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस ले ली गई थी और जब स्कॉलरशिप इत्यादि के लिए एडमिशन फॉर्म संख्या मांगी गई तो विद्यालय प्रबंधन ने इन सभी का एडमिशन ना होने का हवाला दिया। होना था, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी से तो बच्चों को पहले से अवगत कराना था। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो एडमिशन नहीं लेना था। जब एडमिशन ले लिया, फीस ले ली बच्चों की, जब हम लोग प्रवेश पत्र लेने आए उसके बाद कह दिया गया कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, निरस्त कर दिया गया। इस वजह से हम लोगों ने ये आंदोलन किया। मामला ये है कि MA प्रथम वर्ष में पहले प्रवेश ले लिया जाता है, उसके बाद छात्रों का प्रवेश ले लिया जाता है। उसके बाद छात्र जब अपने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस की रसीद लेने आते हैं तो विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ये बोल दिया जाता है कि आपका प्रवेश निरस्त कर दिया गया है। जबकि इन्होंने प्रचार भी कराया है विद्यालय के में। उसके बाद मैंने प्रचार महोदय को प्रबंध समिति के संबोधित ज्ञापन दिया, उसमें ये बोला कि मैं एक दिन का समय आपको देता हूँ विद्यार्थी परिषद की तरफ से, आप अपने जो आप जो भी इसमें निष्कर्ष करना चाहते हैं बात कर लें अपनी। और इन्होंने प्रचार भी कराया है कि MA की शिक्षा हमारे विद्यालय में हो रही है, कृपया करके एडमिशन ले लें। और छात्रों से ये भी बोला गया कि अगर आपको प्रवेश लेना है तो आप 35 छात्र एक संकाय में लाएँ। छात्र का काम है पढ़ना, बल्कि ये नहीं कि एडमिशन करवाना। और इसके बाद हमने जब आज प्राचार्य महोदय से बात की और प्रबंधक महोदय से भी बात की कॉल से, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी एडमिशन नहीं लूँगा। सर, मैं MA पार्ट 1 में जो है एडमिशन के लिए बच्चे आए थे, तो प्रबंध तंत्र ने तीन चार साल से बराबर जो है घाटे में जा रहा है। 4 जो है सब्जेक्ट हमारे यहाँ स्ववित्त पोषित में है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी, समाजशास्त्र। ये MA के जो सब्जेक्ट हैं वो सेल्फ फाइनेंस में हैं, तो वहाँ उनको लगातार घाटा हो रहा था, तो उन्होंने प्रबंध समिति ने प्रस्ताव पारित कर लिया कि अब हम एडमिशन नहीं लेंगे। और इसके बाद जो है कुछ शिक्षक बंधुओं ने BC से कंप्लेंट की, BC ने प्रबंधक जी को वहाँ बुलाया और ये तय हुआ कि
कि कम से कम 35 एडमिशन एक क्लास में होना चाहिए, और अगर 35 से कम है एडमिशन। जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धाम सिंह, अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वाट टीम व थाना हल्दो और पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर झाड़ू रेलवे स्टेशन के पास बने खंडवा में घेराबंदी कर छापेमारी की, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए एक अभियुक्त गुलफाम अहमद को गिरफ्तार किया। साथ ही 11 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। हिस्ट्री सीटर गुलफाम सलाम सगीर खारी का रहने वाला है। इसको शस्त्र फैक्ट्री के साथ में झालू रेलवे स्टेशन के पास खंडहर से पकड़ा है एवं बरामद किया है। इसकी फैक्ट्री से 11 बने अजबने तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, तमंचे बनाने के अनेक उपकरण बरामद किया गया है। इसके द्वारा आगामी जो उसमें बेचने का कार्य किया जाना था, 5 से 10 हज़ार रुपये में ये बेचता, अभी तक इन्होंने बेचा है कि नहीं बेचा है स्वीकार नहीं किया है। PCR पर लेकर के इसको किया जाएगा, किसी साथी का नाम नहीं बताया है, इसके साथी भी हो सकते हैं, पुलिस करके रिमांड पर लेकर के अन्य कार्रवाई की जाएगी। इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो थाना कैंट देहरादून में चोरी का मुकदमा काम था बरामद हुआ है, सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत है, इसके खिलाफ 1.5 दर्जन के लगभग मुकदमे का। बिजनौर के चांदपुर मऊ नर्सिंग होम में महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा किया। परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम किया। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के एशियन नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत होने पर परिजनों ने जमकर नर्सिंग होम पर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत उपचार करने का आरोप लगाया है। जालौन के कालपी क्षेत्र के गुलौली में यमुना नदी में नहाने गई 4 बच्चियां नदी में नहाते समय डूब गईं, जिनको डूबता देख आसपास के लोगों ने नदी में कूदकर उन्हें बचाने का प्रयास किया, जिसमें 3 को बचाया गया, लेकिन एक बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। सूचना मिलते ही पुलिस गोताखोरों की मदद से मौके पर पहुंची और बच्ची को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक डूबी हुई बच्ची का पता नहीं चल सका। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हालत गंभीर देखते हुए प्रयागराज SRN में भर्ती कराया गया, जहां लगातार जारी उपचार के दौरान कला भदारी गांव निवासी सूर्यभान सिंह की मौत हो गई। वहीं मौत से नाराज परिजनों ने मृतक के शव को लखनऊ वाराणसी मार्ग पर रखकर लगभग 6 घंटे मार्ग बाधित किया। वहीं ADM प्रतापगढ़ और ASP पश्चिम के समझाने पर ज्ञापन सौंप कर हुए किसी प्रकार से जाम को खत्म करवाया गया। वहीं ASP पश्चिम का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लालगंज में 20 तारीख को एक घटना हुई थी, CSC के पास ट्रांसफार्मर जल गया था, जिससे कुछ लोग झुलस गए, उसमें से एक व्यक्ति मृत हो गई, जिसका शव लाकर लोग अपना भावनाएं व्यक्त कर रहे थे और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। उस सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस बल, हम सभी लोग और ADM साहब आए मौके पर, लोगों से वार्ता की गई। उनकी मांग थी कि उनको आर्थिक मुआवजा और नौकरी दी जाए, जिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात को माना है। और अलीगढ़ के रेलवे रोड पर सरेरा बाइक से जा रहे युवक से बदमाशों ने बाइक छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद बाइक स्वामी युवक द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने फायर झोंक दिया। वहीं हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद आनन-फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दूरी पर पुलिस की मौजूदगी में फायर करने के बाद आरोपी भाग निकला। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था साधारण नाम का, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। जैसा कि उसने बताया कि उसको किसी ने गोली मारी है बाएं बाजू में, हाथ में चोट का निशान तो है। उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने उसको बड़े मेडिकल के लिए रेफर। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मनबड़ किस्म के लोग शराब के नशे में पुलिस वाले को पीट रहे हैं। पूरा मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग का है, जहां शराब के नशे में मनबड़ में जमकर उत्पात मचाया। हंगामे की सूचना पर गई पुलिस को दौड़ कर पीटा गया।
मौजूदा लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद देकर पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई और किसी तरह से इसकी सूचना थाने पर दी। सूचना पाते ही मौके पर सी इंस्पेक्टर और भारी पुलिस फोर्स पहुंची और मनबड़ों की धरपकड़ शुरू कर दी। थाना चौरी चौरा में कल रात्रि में कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जहां पर कि दो हमारे कांस्टेबल गए, उनको जब रोकने का प्रयास किया उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, अभद्रता की। इस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना सरकारी। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र में 16 साल की लड़की ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इसको लेकर परिजनों ने बगैर पुलिस को जानकारी दिए शव को गांव से निकालने वाली काली नल में जल प्रवाह कर दिया था। इस दौरान किसी ने किशोरी की हत्या किए जाने की सूचना दिल्ली में रह रही मृतका की मां को दे दी, जिस पर मृतका की मां ने दिल्ली से हो रही बेटी की हत्या करने की सूचना डायल 112 पुलिस को दे दी। सूचना पाकर बेवर थाना प्रभारी विजय कुमार गौतम पुलिस बल के साथ काली नदी के निकट पहुंचे। जागरूकताखोरों की टीम बनाकर शव खोजने का कार्य सौंपा गया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया और वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के बखिया गांव में जमीन के लालच में भाई ने अपनी भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। बताते कि बड़े भाई ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर छोटे भाई का कत्ल कर दिया। चाकू से गला रेत कर हत्या की गई। छोटा भाई मानसिक रूप से कमजोर था, प्रयागराज से आकर रायबरेली ऊंचाहार में हत्या की थी। बीते 19 अक्टूबर को खेत के किनारे शतविक्षत हालत में शव मिला था। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 18 अक्टूबर को रात में इंस्पेक्टर मुचाहार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो मुचाहार थाना क्षेत्र के गांव में पड़ी हुई है। इस क्षेत्र में इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, उनके साथ फॉरेंसिक की टीम थी और वहां एसओजी को भी भेजा गया और वहाँ पर जो मृतक था वो दीपक नाम का एक युवक था जो करीब 30 साल के आसपास था। और मथुरा में नगर निगम मथुरा वृंदावन के नगला कोलू स्थित प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन महापौर मुकेश आर्य बंधु के नगर आयुक्त अनुनय झा की तरफ से किया गया। दीपावली वर्ग के बाद नवंबर महीने में लीगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। कार्यदायी संस्था की तरफ से दूसरे ट्रामल की स्थापना कराई जाएगी, जिससे प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार रोकने के लाख दावे के बाद भी जनपद सोनभद्र में भ्रष्टाचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बेरोजगार युवाओं व महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के लिए सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग विभाग स्थापित किया गया है, लेकिन यहां पर 60-60 रसूख वालों को ही सरकारी लोन पास किया जाता है, जिसमें आवेदनकर्ता को फाइल के नाम पर सुविधा शुल्क के रूप में अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है। अगर नहीं दिए तो काम नहीं होने वाला। वहीं खादी ग्राम उद्योग के प्रधान सहायक द्वारा काम करने के नाम पर 2500 रुपया लिया गया, जिसका वीडियो आवेदक द्वारा वायरल कर दिया गया। अब मैं तो उस समय था नहीं जबकि बात है, और मैंने भी इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये सीए को देने के लिए प्रोजेक्ट बनवाने के लिए जो है मेरे द्वारा 2500 रुपया लिया गया है और वो प्रोजेक्ट बनवा करके सीए से फाइल में लगा दिया गया है, उसकी सीए से रसीद भी है 2500 की। और इस बारे में जब मेरे जानकारी हुई तो मैंने उनसे पर्सनल पूछा कि भाई मामला क्या है, तो उन्होंने मुझसे यही बताया कि राव हमने 2500 रुपया लिया था प्रोजेक्ट बनवाने के लिए और प्रोजेक्ट। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के लाजपत नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब लापता युवक का शव बरामद हुआ। बताते कि घर से 2 दिन पहले गायब हुए 20 साल के युवक का शव गड्ढे में मिला। घटना की जानकारी लगते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर घटना की जाँच शुरू कर दी। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
परसों 7 बजे गए हो गाड़ी पे के 10 बजे के बाद आपको फोन बंद है। 3 दिन आते फोन कर रहे, फोन मिली ना रो। हमने जानी गाड़ी पे चली गए तो हम तो अभी यहाँ भीड़ ही जब निकल के गए जब पता चली है कि हमारा फोटो दिखवाए पुलिस वाले ने तो पूछिए कि कौन है। जब इन्हें कही कि इतने साल को लड़का है, जब हमने कही कि फोटो दिखा दो, जब उन्हें फोटो दिखाया हो तो जब हमें पता पड़ी है कि हमारा भाई है। तो क्या यहाँ से जो घर से कपड़े पहन के गए वही कपड़े मिले? वही कपड़े मिले, फोन भी उसका जेब। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।